तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ग्रेविटी क्या होती है या ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है। तो शुरू कर रहे हैं आज के शानदार वीडियो को। तो देखो, ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है भाई, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आप कहानी देखोगे, बहुत ही फेमस कहानी है न्यूटन बाबा की। तो न्यूटन ने क्या कहा हमें कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा एक एप्पल का पेड़ था, एक ऐसा एप्पल का पेड़ है, उस एप्पल के पेड़ के नीचे ऐसे न्यूटन बहुत ही शांति से सो रहा है, बहुत ही शांति से सो रहे हैं न्यूटन भाई साहब। मगर इस न्यूटन को ये जो हवा है, नेचर है, इसने सोने नहीं दिया। तो इस पेड़ पे ऐसे कुछ एप्पल लगे हुए हैं, चलो मान लेते हैं एक एप्पल लगे हुए, और कुछ ऐसा वाइंड का फ्लो हो गया और वहाँ से एक एप्पल ऐसे नीचे गिर गया। तो वो जस्ट पता नहीं कहाँ गिर गया एप्पल, न्यूटन अंकल के सर पे गिर गया या नीचे गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर गया, मगर गिर गया, ऐसा लोग बोलते हैं, हम नहीं। तो एक एप्पल ऐसा गिर गया और उस न्यूटन को लगा कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा भाई, नीचे ही क्यों गिरा, अगर हमारे सर पे वो एप्पल गिरा होता तो हम वो उठाते और खा लेते और इन्वेंशन गई भाड़ में, पता नहीं। खैर छोड़ो, तो ये फोर्स न्यूटन को लगा कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। तो या वहाँ उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, उसमें बहुत सारा अपना समय बर्बाद किया और उन्होंने आखिरकार ग्रेविटेशन की खोज की। ऐसे ग्रेविटेशन का खोज की यानी मतलब वो फोर्स को एक नाम दे दिया, उस फोर्स को क्या नाम दे दिया उसने, ग्रेविटी नाम दे दिया न्यूटन ने। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं है कि ये फल गिरा और न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ पूरी लगा दी कि इस ग्रेविटी की खोज करने में, ऐसा बहुत है। तो देखते हैं ये ग्रेविटी जो फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्ट फोर्स है, बाकी के जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो बाकी के जो फोर्स है वो अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपल भी होते हैं, आपको पता है बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो ये जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अट्रैक्ट होती है। वो ग्रेविटी किस चीज़ में होती है भाई, सिर्फ अर्थ में होती है क्या, तो इसका सवाल है। अर्थ में ग्रेविटी होती ही होती है, मगर चांद मून पे हो, मून पे हो, सन पे तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, इसी वजह से सारे प्लैनेट जो है वो सन के अगल बगल ऐसे घूमते रहते हैं। तो मून पे है, सन पे है और अर्थ पे तो है ही है ये ग्रेविटी। तो और मंगल ग्रह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस अर्थ के मुकाबले बहुत थोड़ी बहुत कम है, मगर ग्रेविटी वहाँ भी है। तो आपने तो मून पे वो मून मिशन पे देखा ही होगा, जो लोग ऐसे हवा में तैरते हैं वो तैरते किस लिए, वो अगर वहाँ ग्रेविटी ना होती तो वो ऐसे तैरते ही नहीं, वहाँ जिस जगह है वही जगह रहते। मगर उस मून पे जो ऐसे उछल उछल के लोग चलते हैं वो आपने देखा ही होगा। तो ये हो गई कुछ ग्रेविटेशन की बात। तो आज की इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।